भारत के सभी त्योहारों में गणेश महोत्सव बहुत ही खास होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी बहुत ही खास मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का प्रकटय हुआ था। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, यह अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इन 10 दिनों को गणेश महोत्सव के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 सितंबर को यह पर्व अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। बता दें कि गणेश चतुर्थी की तिथि 6 सितंबर यानी कल दोपहर 3:01 पर शुरू हो चुकी है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर यानी आज शाम 5:37 पर होगा। गणेश चतुर्थी इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कई सारे शुभ योग बनने जा रहे हैं, जिसमें स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्मा योग और इंद्र योग बनने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं पूजा विधि। सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थल की सफाई कर ले। एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा ले। इसके बाद चौकी पर गणपति बप्पा को स्थापित करें और इसके बाद गणपति बप्पा को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिलक लगाएं और अक्षत चढ़ाएं। फिर बप्पा को भोग चढ़ाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और बप्पा की आरती करें। ध्यान रखें, पूजा के समय गणपति बप्पा को दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप चाहे तो गणपति बप्पा को दुर्वा की माला पहनाकर भी पूजा कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के त्योहार में कुछ चीजों का खास इस्तेमाल होता है। इन चीजों के बगैर गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी जाती है। गंगाजल, धूप, दीप, कपूर, मूर्ति स्थापित करने के लिए चौकी लाल रंग का कपड़ा, दुर्वा, जनेऊ, रोली, कलेश, मोदक, फल, सुपारी, लड्डू, मौली, पंचामृत, लाल चंदन, पंचमेवा इत्यादि। गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों और इत्यादि जगहों पर भगवान गणेश की मूर्ति और प्रतिमा लाकर बड़े ही धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश को अपने घर लाने, उनकी पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि मिलती है।